सिंह जी जी छत्र छाया में अरे कमांडेंट साहब ने भी दीख लेंदे कि पाछे खड़े कर दिए अग्नि सोच रहे लांदे खड़े ऊपर के दिख जाएंगे ते देख डायरेक्ट टेलीकास्ट वेरी गुड बड़ा बटाई नहीं इनके तारे मेरे ना तारता मैं इतनी बटाई कर लाग रहा हूं भाई ये जो डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं ना इनके भी एक बार जोरदार तालियां बजाते भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये संदीप लोड़ी बड़ा प्रसिद्ध नाम है इनका बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं सबसे बड़ा स्टार है ये खिलाड़ी बहुत अच्छे इसकी रेट आपने देखी है नेशनल में भी रेलवे की तरफ से खेलते हैं रेलवे का आपकी बार नेशनल में आपको पता है कि गोल्ड मेडल था परवेश ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और प्रो कबड्डी का स्टार सुनील ये भी प्रो कबड्डी का स्टार दीपक नरवाल बहुत बढ़िया भाई नितिन रावल सारे स्टार इकट्ठे हो रहे हैं बहुत बढ़िया शानदार टीम बना के लेके आए और दूसरी तरफ भी भाई मारी टीम नहीं है गंदे है राजेंगे देखियो भाई ये कहेंगे उन उनकी बटाई ला गए हमारी तक करते हो ना तुम किसी से कम नहीं हो भाई युवा युवा ही होता है दोनों तरफ युवा खिलाड़ी है बहुत बढ़िया गुड अटैक अरे कहां गए हमारे स्टार कमेंटेटर संदीप जी एडवोकेट साहब आराम कर रहे मेरे ख्याल में चला दो बढ़िया कमेंट्री सुनाते हुए कोर्ट नंबर दो पर जो अगला मैच होगा रिंडाना राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक दोनों टीमें तैयार हो जाएं भाई और कोर्ट नंबर दो पर पहुंच जाएं रिंडाना राजीव गांधी स्टेडियम रेवड़ी रोहतक की प्रसिद्ध और कोर्ट नंबर एक पर जो मैच होगा वो खेड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी खेड़ा खुर्द और नीरगुली एकेडमी पवन कुमार एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई इस खिलाड़ी का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ये मेरा तो पसंदीदा है भाई जो रेट में इसकी मजा आ रहे हैं आगे को आ जाए ना सीधा चोटी पर का जहाज करो हरियाणा स्टाइल में कूद जाकर ऊपर गए Direct!
आदमी का नाम ले बताओ। वेरी गुड, गुड डिसीजन, नाइस। अरे गठरी हाथ के लिए भी ताली बजा दो, इतने बढ़िया डिसीजन देना रहे तोल तोल कर। ये जो डिसीजन दिया है सोनू उतैया गांव सिसाना। पवन सर एक बार फिर विरोधी पाले में, देखते हैं क्या होता है। होता वही है जो मंजूर में खुदा होता है। नहीं जज कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार से ही। ये भी थर्ड रेट, डू एंड डाई। ये थर्ड रेट नहीं कहते इनको, डू एंड डाई रेट बोलते हैं। देखो हमारी भाषा देखी, हड़े हड़े हड़े, तेरी बिरसे भी बड़ा है। महिला विभाग का अगला मैच पुलिस कॉलोनी नरेला अंबे कबड्डी एकेडमी। दोनों टीमें तैयार रहें, इस मैच के बाद आपका मैच होगा। अंबे कबड्डी एकेडमी पुलिस कॉलोनी नरेला, दोनों टीमें तैयार रहें। भाई जो टीम रुकना चाहती है वो कृपया करके अपने यहाँ पर एंट्री करवा दें, ताकि उनका रहने का और खाने की व्यवस्था की जा सके। भाई टेस्ट होएगी, पड़ोस ला दिए उधर। स्पीड में डाई लग गई या खड़े के डाई लग गई तो बहुत मुश्किल है टाइम निकालना। डाई बड़ी खतरनाक होती है। Thank you.
जिसका नाम है पवन सहरावत। बहुत बढ़िया, देखो कितनी अच्छी रेड मारी है, एक के साथ एक फ्री तो मिलता देखा है, एक के साथ दो फ्री मिलते नहीं देखे होंगे। वेरी गुड पट्टी, वेरी नाइस पट्टी। हरियाणा रोहतक कोर्ट नंबर दो पर पहुंच जाए। अरे कितना लंबा करा रहे हो, कोर्ट नंबर दो पर पीस का करा दिया क्या?
बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड अटैक, वेरी गुड अटैक। दोनों टीमें आ जाएं कोर्ट नंबर 3 पर, पुलिस कॉलोनी नरेला अंबे कबड्डी एकेडमी, प्लीज रिपोर्ट ऑन कोर्ट नंबर 3। जल्दी आए, समय कम है और रिजल्ट भेजते कोर्ट नंबर 3 का। ये प्रवेश की जब बैग थी इधर पीठ थी तो कह रहे हैं तो कोई अंग्रेज ले रखा पकड़ गई ने, बहुत बढ़िया कवर मारा ना तो पलटी अच्छी मार दी थी, वेरी गुड प्रवेश, बहुत बढ़िया ब्लॉक भाई। ज्यादा ऊपर अच्छे ने आ गया हूं मैं आगे में भाई, 2 नंबर कोर्ट खाली हो गया है, ये रेडाना रोहतक अगली टीम बुलाऊं, आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, रेडाना राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक। जल्दी आ जाओ भाई, ये कौन सी है भाई, रे नाना है ना, रोहतक आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ, वाक्य सा बस और मैच शुरू करा दो भाई जल्दी। भैसवाल के 16 अंक, लखावटी के 10 अंक, ये मध्यांतर का स्कोर है कोर्ट नंबर 1 पर, 16 और 10 इन फेवर ऑफ भैसवाल।
हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे बीच श्री नील गुलिया जी एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट और साथ में हैं मनप्रीत एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट डबल और ध्यानचंद अवार्डी। मैं और गुरजात फोर्सेस के कोच और असिस्टेंट कोच, मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें ऐसे महान शख्सियतों का। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें एक समय दिया है और हमारे बीच पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर मैं मनप्रीत जी का और नील गुलिया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है। अरे नहीं दोनों टीमों को लाइनअप कर लें कोर्ट नंबर दो पर। कोर्ट नंबर दो पर दोनों टीमों को लाइनअप कर लें। ऑफिशियल्स आप भी अपना स्थान ले लें। दोनों टीमों का परिचय करा जाएगा। अभी अभी जो शख्सियत आन बान और शान जो हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं निवेदन करूंगा रामेल राठी से, हरिचंद खत्री से, मुकेश और सुरेश राजेश, सभी से निवेदन है कि तीनों महान हस्तियों को वहां ग्राउंड पर ले जाएं दोनों को और कोर्ट नंबर दो पर परिचय कराएं। सुरेश कोर्ट नंबर दो पर। मनप्रीत जी, नील गुलिया जी कोर्ट नंबर दो पर लेके जाएं और दोनों टीमों को आशीर्वाद दिलवाएं। लाइनअप है, लाइनअप 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 ऑफिशियल 700 कोर्ट नंबर टू। महिला विभाग का जो मैच चल रहा है इसके बाद एसएसए नरेला वीर कबड्डी स्पोर्ट्स क्लब आजादपुर के बीच होगा। ये दोनों टीमें तैयार हो जाएं। वीर कबड्डी स्पोर्ट्स क्लब आजादपुर एसएसए नरेला, ये महिला विभाग का अगला मैच होगा। Hey,
एकेडमी दोनों टीमें तैयार हैं। यह मैच समाप्ति की ओर है, इसके बाद आपका मैच होगा। खेड़ा स्पोर्ट्स क्लब, खेड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी, खेड़ा खोर, नीरगुली एकेडमी सोनीपत, दोनों टीमें तैयार हैं। कोर्ट नंबर टू, पुलिस स्टार्ट द मैच। उदित थर्ड रे दो अंडाई लो या दो बहुत बहुत धन्यवाद मनप्रीत सिंह जी, नीरगुलिया जी और साथ गए हुए हमारे सभी कोचिंग साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि मनप्रीत जी और नीरगुलिया जी एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट। मनप्रीत जी एक साल पहले आपको पता है कि ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आज हमारे बीच आए हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महिला विभाग के अगले मैच के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। भाई मैच शुरू कराओ, कोर्ट नंबर दो, रमेश शुरू कराओ, फिर स्क्रीन भी शुरू हो जाएगी। टाइम का ख्याल रखियो, टाइम रमेश टाइम। खेड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी, नीरगुलिया कबड्डी एकेडमी सोनीपत, दोनों टीमें जल्दी आ जाएं कोर्ट नंबर एक पर। बहुत कम समय बचा है, कुछ सेकंड बचे हैं बस, जल्दी आ जाओ, फिर रोज गिरेगी, मैच नहीं रोकेंगे हम। हाँ 22 बैंसवाल, 16 लखावटी। Thank you.
जीतेगा
बॉयज, यह भी थर्ड रेड, थर्ड है नहीं है, नहीं है, मना कर रहे हैं। Thank you.